इंटर स्टेट काउंसिलिंग की 22 अगस्त को भोपाल में होने वाली मीटिंग में मध्य प्रदेश तकरीबन 15 मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखने जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से भोपाल इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पॉक्सो एक्ट, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का फंड बढ़ाना, होमगार्ड की ग्रांट के साथ अन्य मसले शामिल है। भोपाल इंदौर एयरपोर्ट को पूरी क्षमता के विकसित करने और फ्लाइट की सुविधा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मापदंड देने का मामला काउंसिलिंग में मध्य प्रदेश रखेगा। शाह 21 अगस्त के देर रात भोपाल पहुंचेंगे। अगले दिन कुशाभा हाउस सभागार मिंटी हॉल में 11 बजे से काउंसिलिंग की मीटिंग लेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहेंगे। बहरहाल पॉक्सो में नाबालिगों के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामले में देरी होती है। मध्य प्रदेश चाहता है कि इन मामलों को डिस्पोजल तेजी से हो, इस तरह फास्ट कोर्ट में भी काम तेजी से हो। मध्य प्रदेश चाहता है कि पुलिस के रिफॉर्म का फंड भी बढ़े और होमगार्ड के लिए केंद्र से जो ग्रांट दी जाती है उसमें कुछ प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह अब अतिरिक्त बजट मांग रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में अब कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाज की पैदावार बढ़ रही है। स्व सहायता समूह के साथ कई किसान इसका उत्पादन करने लगे हैं। मध्य प्रदेश ये मांग रखेगा कि 2 कुटकी का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करे, साथ ही कुछ टन की खरीदी घोषित करे। इससे आदिवासी वर्ग को फायदा होगा।